हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो वाई डी के में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तद्धित प्रत्यय के भेद। और तद्धित प्रत्यय के भेद में हमने एक प्रत्यय लिया है ई प्रत्यय। ये ई प्रत्यय जो है किन किन हमारे तद्धित प्रत्ययों के भेद में शामिल होता है, और ये हमारे विद्यार्थियों को और हमारे व्यूवर्स को बहुत कन्फ्यूज करता है कि आखिर ई प्रत्यय कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ई प्रत्यय के बारे में। आज हम गए ई प्रत्यय। अब प्रत्ययवाचक में भी ई शामिल होता है, स्त्रीवाचक में भी, उन्नतावाचक में भी और भाववाचक में भी तद्धित प्रत्यय के ये चार भेद हैं। और इन चारों भेदों में जो है ई प्रत्यय अलग अलग भूमिका निभाता है। प्रत्यय एक ही है लेकिन इसके मतलब भेद अलग अलग हो जाते हैं। ये अप्रत्ययवाचक में भी काम करता है, ये स्त्रीवाचक में भी काम करता है, और ये उन्नतावाचक में भी काम करता है, और ये भाववाचक में भी काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम दो दो उदाहरण लेकर जो है सभी को समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रत्ययवाचक की। अप्रत्ययवाचक को जो है हम संतान बोधक या फिर वंशवाद वाला प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यानी से संबंध। अप्रत्ययवाचक का मतलब होता है या तो वो किसी की संतान हो, या उसका संबंध किसी वंश से रहा हो, या फिर वो उसका संबंध किसी विशेष चीज से रहा हो, तो वहां हम जो है अप्रत्ययवाचक को मानते हैं। और वहां ई प्रत्यय जो है अप्रत्ययवाचक में आता है। देखिए कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं पंचाल शब्द, एक शब्द है हमारा पंचाल, अगर इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ें तो हम पहले वर्ण का सॉरी उसका मूल शब्द का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ये पंचाल से हमारा क्या शब्द निकल कर आएगा। आप यहां देख रहे हैं कि हमने ऐसा कर लिया वर्ण विच्छेद, यहाँ च के बाद हमें मिल रहा है आ और ल के बाद हमें मिल रहा है अ। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने ई प्रत्यय जोड़ा इसमें। अब देखिए जब ई प्रत्यय अप्रत्ययवाचक में आता है तो उसका प्रथम स्वर का परिवर्तन इस सूत्र के अनुसार होता है जो रेड अंक में इंक में लिखा हुआ है, लाल शाही में लिखा हुआ है। ये वाला परिवर्तन जो है आदि स्वर वृद्धि वाला होता है, और जो मैंने ब्लू इंक में लिखा हुआ है ये परिवर्तन होता है हरिस्व में। जब आदि में आदि स्वर में हरिस्व होता है यानी कमी आती है तब ये सूत्र काम करता है। तो हम रेड इंक की बात करेंगे, लाल शाही की बात करेंगे। तो देखिए पढ़ते यहां से हट जाएगा, सॉरी अंतिम स्वर ये पढ़ते यहां जो गाते हो आ जाएगा, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको और ये इसको, और शब्द हमारा बन जाएगा पांचाली, यानी कि पंचाल देश की जो राजकुमारी सब पांचाली कहा जाता है। ठीक है, पांचाली तो ये किससे संबंध हो गया, उसके देश से, उसके मतलब कहीं संबंध हो गया उसके देश से, उस देश की रहने वाली, या किसी पुत्र की पुत्री हो जाए, समझ गए, वहां भी हमारा ये प्रत्यय काम करता है। जैसे देखिए यहाँ गर्ग, अगर हम यहाँ गर्ग की बात करते हैं, अगर हम गर्ग में ई प्रत्यय जोड़ें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा गार्गी। अब ये गार्गी कैसे बना देख लीजिए आप, यहाँ हम ग के बाद अगर हम देखें अ पर स्वर है, और ग के बाद र जो हमारा है वह आधा ही रहने वाला है, और फिर ग के बाद हमें मिल रहा है अ स्वर, तो इसमें हम जब जोड़ेंगे ई प्रत्यय तो इसका परिवर्तन होगा और इसमें परिवर्तन होगा, ए का हो जाएगा आ, ए का हो जाएगा आ, र हमारा जो का तो रहने वाला है, और ग के बाद तुरंत हमारा प्रत्यय आ जाएगा और शब्द बन जाएगा गार्गी। गर्ग वंश में जन्म लेने वाली गार्गी, गर्ग वंश में जन्म लेने वाली गार्गी। ठीक है, फिर देख ले आप मिथिला में देख रहे हैं आप, मिथिला में हम ई प्रत्यय जोड़े हैं तो हमारा क्या बनकर आएगा देखिए। अब यहाँ म के बाद हमें क्या मिल रहा है छोटी ई, और थ के बाद हमें क्या मिल रहा है छोटी ई,
और ल के बाद हमें क्या ध्वनि सुनाई दे रही है, आ की, ठीक है। और यहाँ हम जोड़ेंगे ई प्रत्यय, परिवर्तन यहाँ होगा और यहाँ होगा, ई का हो जाएगा अय, ठीक है। तो यहाँ म के बाद क्या हो जाएगा, अय, ठीक। थ के बाद ज का तो रहने वाला आपका ई ही रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ल के बाद हमारा क्या है, आ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, देखिए, मैथली, मैथली ये शब्द निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मिथिला देश की, मिथिला देश की, जो मिथिला देश संबंध इसका मैथिली कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारा देखेगी अप्रत्ययवाचक में या तो उस देश से संबंध हो, या फिर वो किसी की संतान हो, या फिर वो किसी से वंश से संबंधित हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक हम तदित प्रत्यय की बात करते हैं, तदित प्रत्यय जो है संज्ञा में जुड़ता है, ठीक है, वो हमेशा सर्वनाम में जुड़ता है और वो जुड़ता है हमेशा विशेषण में, ठीक है। ये हमारे तदित प्रत्यय की पहचान है, ये तीन चीज में जुड़ेगा, सर्वनाम में, संज्ञा में और विशेषण में, ठीक है। हमारा अगला है स्त्रीवाचक, यानी कि ई प्रत्यय जो है हमारे, जब किसी मूल शब्द में हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्त्री, उसमें स्त्री का बोध होता है, वह शब्द जो है स्त्रीवाचक बन जाता है। देखिए कैसे, जैसे अगर हम पुत्र में जोड़ें, पुत्र में हमने ई प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ देखिए आप, पुत्र का जो अंतिम वर्ण है उसको हम कर देते स्वर रहित, तो ये बन जाएगा पुत्री, ठीक है। तो पुत्र था, ये था हमारा पुरुषवाचक, और इसमें ही प्रत्यय जोड़ दिया, हो गया हमारा पुत्री, तो हो गया ये हमारा स्त्रीवाचक। जैसे देव में जो है, अगर हम ई प्रत्यय जोड़ें तो शब्द बनेगा देवी, ठीक है। तो ये भी हमारा स्त्रीवाचक हो गया। नर्तक हमारा क्या आता है, पुरुषवाचक, और इसमें जोड़ देंगे ई तो बन जाएगा नर्तकी, नर्तकी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम गौर में जोड़ेंगे, गौर में हम जोड़ेंगे ई तो ये बन जाएगा गौरी, ठीक है। तो आप देख रहे कि यहाँ जो है स्त्रीवाचक प्रत्यय में भी काम करता हमारा ई प्रत्यय, स्त्रीवाचक में भी हमारा ई प्रत्यय काम करता है, ठीक है। वाचक, इसकी हमने बात कर ली, इसकी हमने बात कर दी, अब बात करते हैं उन्ता वाचक की। उन्ता का मतलब है कमी, उन्ता का मतलब है कमी, उन मैंने होता है कमी, तो ये उन्ता वाचक यानी कि कमी कर देता है हमारे उस मूल शब्द में, जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो वो उसको कम कर देता है, उसको हीन कर देता है, उसमें कमी ला देता है। अब देखिए कैसे इसमें हीनता लाता है। देखिए जैसे पहाड़ शब्द है पहाड़, अगर हम पहाड़ शब्द में मूल शब्द में ई प्रत्यय जोड़ें तो हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ जो है बहुत बड़ा होता है, और हम पहाड़ी कहते हैं उससे छोटे को, पहाड़ था पहाड़ी, पहाड़ी हो गया, ठीक है। फिर देखिए आप झंडा, अगर हम झंडा में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाएगा झंडी, झंडी हो जाएगा, ठीक है, झंडा से होगा झंडी। फिर देखिए लठ, लठ में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा लाठी, क्या हो जाएगा, लाठी। फिर देखिए टॉप, टॉप जो होता है पूरा गोल होता है, अगर उसमें हम ई प्रत्यय जोड़ें तो हो जाएगा टोपी। तो आप देख रहे हैं कि बड़े आकार से हम छोटे आकार की ओर जा रहे हैं, यानी हम उन्नता की ओर जा रहे हैं, यानी हम किसी छोटे चीज की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया मटका, मटका में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगी मटकी, ठीक है। ऐसे हमारा है घंटा, अब घंटा में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे, ई प्रत्यय तो हो जाएगा घंटी, क्या हो जाएगा, घंटी। ऐसे हमारा नाला, नाला में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाली,
आप देख रहे हैं हम छोटे की ओर जा रहे हैं। रस्सा, रस्सा में हम क्या जोड़ेंगे, ई परते, तो हो जाएगा रस्सी। ठीक है, फिर हम जोड़ेंगे घाट, घाट में हम जोड़ेंगे ई परते, तो हो जाएगा घाटी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम उन्नता की ओर जा रहे हैं। पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी होती है। झंडा बड़ा होता है, झंडी छोटी होती है। लठ बड़ा होता है, लाठी छोटी होती है। टोप बहुत बड़ा होता है, टोपी छोटी होती है। मटका बहुत बड़ा होता है, मटकी छोटी होती है। ठीक है, और जहां तक बात है घंटा, घंटा बड़ा होता है और घंटी छोटी होती है। नाला बहुत बड़ा होता है और नाली बहुत छोटी होती है। रस्सा बहुत बड़ा होता है और रस्सी दो या तीन फुट की, उसको हम रस्सी कहते हैं। घाट बहुत बड़ा होता है और घाटी छोटी होती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये उन्नता वाचक में भी हमारा ई परते, जो ई परते ना, ई परते काम करता है उन्नता वाचक में भी। अगला हमारा प्रकार है भाववाचक, गरीब। अगर हम गरीब में जो है ई परते जोड़े तो हो जाएगा गरीबी। तो ये भाववाचक है गरीबी। ऐसे ही हमारा हो गया अमीर, अमीर में हम जोड़ेंगे ई तो हो जाएगा अमीरी। ठीक है, ऐसा हम जोड़ेंगे मीठा। ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये होगा मीठी, ये मीठी हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा कड़वा, कड़वा। तो कड़वे में ई पर कड़वी। तो आप देख रहे हैं यहाँ भाववाचक निकल कर आ रहा है, भाव निकल कर आ रहा है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, संज्ञा है। ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेषण है, और ये हमारा क्या है, भाववाचक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भाव निकल कर आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा में भाव निकला है और ये हमारा विशेषण में भाव निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे विशेषण है मीठा मीठी, कड़वा कड़वी। तो इन प्रकार देखते हैं हमारा ई परते जो है अपत्यवाचक, स्त्रीवाचक, उन्तावाचक और भाववाचक, चारों में ही शामिल रहता है, चारों में ही शामिल रहता है ये। ठीक है, हम थोड़ा और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारा जनक है, अपत्यवाचक में जनक, जनक में जब हम ई परते जोड़ेंगे तो ज का हो जाएगा जा। ठीक है, तो बन जाएगा जानकी। ठीक है, फिर देखिए द्रुपद, द्रुपद में जब हम ई परते जोड़ेंगे तो द्रु, र में जो हमारा उ की मात्रा है सो हो जाएगा ओ, तो सत बन जाएगा द्रौपदी। क्या बन जाएगा, द्रौपदी, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा गंधार है, गंधार में हम जोड़ेंगे ई परते। ठीक है, तो ग का हो जाएगा हमारा आ हो जाएगा, तो गांधारी, गंधार देश की गांधारी। ऐसे मद्र, मद्र देश की माद्री। ये हमारे कुछ उन्नता वाचक ई परते के, ई परते जब अपत्य वाचक में आता है, उन्नता वाचक में हमारे ये थे हमारे पहाड़, झंडा, लाठी, ऐसे टॉप टोपी। ये हमारा अपत्य वाचक के मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, ये कैसे बनकर हमारे आए हैं। जनक में ई परते जानकी, द्रुपद में ई परते द्रौपदी, गंधार में ई परते गांधारी, मद्र में ई परते माद्री। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध किससे है, जनक की संतान जानकी, द्रुपद की संतान द्रौपदी, गंधार देश की रानी गांधारी, मद्र की देश की राजकुमारी माद्री। तो इस प्रकार से जो अपत्य वाचक में जो है वंश और की संतान, इन्हें संतान बोधक परते भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की आपको अपडेट तुरंत पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें और दोस्तों को भी उसका लाभ उठाने दें। धन्यवाद। जय हिंद।